शहर के शिवालयों में सावन की धूम दिखाई दी है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। सावन को लेकर विशेष पूजा पाठ और साज सजावट के कार्य किए गए हैं। पूरे वर्ष में सभी भक्तों को सावन माह का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं सावन माह प्रारंभ होते ही सभी शिवालयों और मंदिरों पर तैयारियां होने लगती हैं। नीमच के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर किलेश्वर, भूतेश्वर आदि मंदिरों पर सावन माह को लेकर तैयारियां होने लगी हैं। मंदिरों पर विद्युत साज सज्जा की जा रही है। वहीं शिव भक्ति के लिए पूजा अर्चना के लिए विशेष सुविधाएं रखी है। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का शाही श्रृंगार किया जाएगा और 56 भोग भी लगाया जाएगा। बताते हैं कि कब कब क्या आयोजन होंगे। 14 जुलाई से सावन माह प्रारंभ हुआ। 18 जुलाई को प्रथम सावन सोमवार, 25 जुलाई को द्वितीय सावन सोमवार और 1 अगस्त को तृतीय सावन सोमवार, 8 अगस्त को चतुर्थ सावन सोमवार और 1 अगस्त को विशेष 56 भोग का आयोजन रखा गया है। 31 जुलाई को सहस्त्र अभिषेक किया जाएगा। सावन माह में आरती का समय प्रातः 5 बजे और सायकाल 7 बजे की जाएगी। कार्यालय तपोभूमि पर किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जहां गांव-गांव में 4 सदस्यों की टीम बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत नीमच पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर किसान मोर्चा की बैठक ली गई, जिसमें बताया कि किसान मोर्चा को गांव-गांव जाकर मजबूत होना पड़ेगा। केंद्र प्रदेश की सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं का हर किसान, हर गाँव और हर परिवार को लाभ दिलाया जाए और योजना के बारे में बताया जाए। किसान मोर्चा गाँव में रहने वाले किसानों को जैविक खेती को लेकर प्रेरित करे और पशुपालन करने के लिए भी प्रेरित करें, जिससे सरकार द्वारा गाय पालने पर 9000 प्रतिमा दिया जा रहा है, उसका लाभ किसानों को भी मिल सके। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला नीमच की हमारी जिला बैठक में पिछले हमारे जितने सारे कार्यक्रम हुए हैं, जो चुनाव हुए उनको लेकर के समीक्षा की गई है। साथ में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं पवन जी, किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष गोस्वामी जी, तो पिछले जो कार्यक्रम हुए उनकी चर्चा की, आगामी हमारे जो कार्यक्रम होंगे उनको लेकर चर्चा की। आने वाले समय में किसान मोर्चा प्रत्येक गांव में 5-5 कार्यकर्ताओं की एक समिति हम बनाएंगे। ऐसी एक डायरी हम हर मंडल को देंगे, जहां पर 5 लोग को समिति रहेगी, उनके नाम, मोबाइल नंबर, ऐसी 2 डायरी देंगे, एक लोकल में रहेगी, एक प्रदेश में रहेगी। साथ में जो हमारी समिति हम बनाएंगे, वो समिति गाँव में रह करके ग्राम चौपाल करेगी। तो गांव में रहने वाले जितने लोग हैं, सरकार की योजना से जो जो लोग लाभान्वित है, उसका एक हम सर्वे करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को मिला, किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिली, आयुष्मान कार्ड धारक कितने लोग हैं, ऐसा एक हम सर्वे करेंगे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा रहेगा जिले में। तो ये जो समितियां हैं, ग्राम चौपाल करके ऐसा सर्वे पत्रक लेकर के आएंगे, ऐसी डायरी भर के लेकर के आएंगे, उनका एक हम सम्मेलन करेंगे। इस प्रकार की हमारी योजना बनी है। आगामी समय में जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्य करे। साथ में हर महीने मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, हर बूथ पे मन की बात हो, ऐसे किसान मोर्चा के हमने एक जिले के प्रभारी बनाए हैं, योजना से लाभान्वित लोग उनके एक प्रभारी बनाए हैं। हमारा किसान बंधु प्राकृतिक खेती करे, आज खाद्यान्न को लेकर के दुनिया चिंतित हैं, तो हमारा किसान प्राकृतिक खेती करे, हर घर में गाय हो, उसको लेकर हमारी सरकार 900 रुपये दे रही है, इसको लेकर किसान मोर्चे के कार्यकर्ता हमारे काम करेंगे। और हर जिले में किसान मोर्चा एक FPO बनाएगा, जिससे कि हमारे किसानों को, वो प्राकृतिक खेती करता है तो उसकी फसल का उचित दाम उसको मिले, इसको लेके योजना बनाई है। कार्य का हमने विकेंद्रीकरण किया है, मंडलों के प्रभारी बनाए, विधानसभा के प्रभारी और मंडल की समिति के जो लोग हैं उनको पंचायत तक के प्रभारी बनाए, यानी एक हमारा सेटअप हर गांव तक किसान मोर्चे का खड़ा हो और पार्टी के लिए अधिक से अधिक कार्य हम कर सके आने वाले चुनाव में। किसान मोर्चे का कार्यकर्ता, चूंकि मध्य प्रदेश में 74% किसान हैं, तो हर किसान, इस मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति किसान है, इसलिए वो हमारी सरकारों से जुड़े। केंद्र के हमारी सरकार माननीय मोदी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनकी योजना का प्रचार करें। मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी योजनाओं